So, दोस्तों काफी टाइम से मैं स्पीड की वीडियो लाने की सोच रहा था क्योंकि भाई इस स्पीड के लिए काफी सारे लोगों की डिमांड आई हुई है कि भाई सेंट बर्नार्ड के ऊपर कोई वीडियो लेके आओ। तो फाइनली ब्रीड आप लोगों के सामने है। तो आज हम बात करने वाले इसी ब्रीड के बारे में जो कि एक एडल्ट डॉग है एंड एक्सीलेंट क्वालिटी में। तो चलिए जानते हैं इस ब्रीड के बारे में कि इसे आप लोगों को कैसे रखना चाहिए, क्या इसकी प्राइसिंग है और क्या इसकी लोकेशन होने वाली है। तो सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो फिर सेंट बर्नार्ड एक जायंट डॉग ब्रीड है क्योंकि ये काफी लार्ज साइज के होते हैं और अपनी फैमिलीज और ओनर्स के लिए बहुत ही लॉयल और वैसे भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते। बट इसके बावजूद भी इन्हें काफी अच्छा गार्ड डॉग भी माना जाता है। हालांकि दूसरी डॉग ब्रीड की तरह इतने अग्रेसिव नहीं होते और फालतू बार्क भी नहीं करते बिकॉज ये मीडियम एनर्जी लेवल की डॉग ब्रीड है। तो फ्रेंड्स ये जो सेंट बर्नार्ड है ये एक मेल डॉग है, उन्होंने सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे हैं एंड साथ में आप लोगों को कार्ड भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सेंट बर्नार्ड को आप लोग एज ए फैमिली मेंबर भी रख सकते हो और एज ए स्टड डॉग भी, क्योंकि यार अगर आप लोग इसकी मैटिंग भी कराते हो तो सिर्फ एक दो मैटिंग में ही आप लोगों का सभी पैसा रिकवर हो जाएगा और अच्छे खासे पैसे भी बचा पाओगे। और गाइस अगर आप लोग इस बड़ी सी डॉग ब्रीड को देखकर डर रहे हो कि कहीं ये काट वाट ना ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। सेंट बर्नार्ड काफी काम टेम्परामेंट के होते हैं और बच्चों के साथ तो भाई ये बहुत ही फ्रेंडली और काफी केयरिंग होते हैं। और गाइस ये चीज तो मैं आप लोगों को हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप लोग सेमी एडल्ट या एडल्ट डॉग्स लेते हो तो आप लोगों का खर्चा काफी सारा बच जाता है, क्योंकि अगर आप लोग छोटे पपीज को परचेज करते हो और जब तक वो इस एज के होते तो आप लोगों का कम से कम 50,000 पीस इजिली खर्च हो चुका होता। बाकी इस एज के डॉग्स पर आप लोगों को जो खर्चा करना पड़ता है वो सिर्फ इनके फूड पर ही करना होता है, बाकी आप लोगों का और कोई भी खर्च नहीं होने वाला। और वैसे गाइस सेंट बर्नार्ड थोड़ी एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसका एक बिल्कुल नॉर्मल सा प्राइस रखा है जिसे हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है। वैसे गाइस ये जो सेंट बर्नार्ड है ये बिल्कुल यंग है और मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने इसकी अभी तक कोई मैटिंग कराई है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो सेंट बर्नार्ड है ये अभी जस्ट 1 ईयर का हुआ है। तो गाइस मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को एक हैवी और मस्टिफ डॉग ब्रीड चाहिए तो आप लोग इसे अपनी चॉइस में शामिल कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस इसकी एज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो अगर बात करें इसकी लोकेशन के बारे में कि कहाँ से आप लोग इसे परचेज कर सकते हो, तो दोस्तों ओनर की जो लोकेशन है वो है गुरुग्राम हरियाणा से। एंड बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है सेंट बर्नार्ड के बारे में तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें डिलीवरी को लेकर तो काफी लोग निराश होने वाले हैं क्योंकि ओनर जो है वो स्टॉक के ऊपर आप लोगों को डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। अगर आप लोगों को परचेज करना है तो डायरेक्ट ओनर को विजिट करके ही इसे परचेज कर सकते हो। और आप लोग इसे लेकर कैसे जाओगे ये भी आप लोगों को पहले ही सोचना होगा। एनीवेज फाइनली अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो डॉग बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है भाई वो किए 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। भाई क्वालिटी को देखते हुए प्राइस बहुत ही अच्छा है, बाकी इस प्राइस में आप लोग थोड़ा बहुत डिस्काउंट पा सकते हो अगर आप लोग सीरियस बायस हो तो। तो गाइस अगर आप लोगों को क्वालिटी के साथ साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।